साहब का केस सुन रहे थे चीफ जस्टिस के तौर पर, उस वक्त ये मेरे दोस्त जो थे इनके सामने आंखों के सामने मरियम नवाज तस्वीरें लहरा रही थी जज साहबान की और तस्दीक कर रही थी, और मरियम औरंगजेब कह रही थी कि हम इनके घरों में घुस कर मारे। बिल्कुल, उस समय सोशल मीडिया जो कह रहा था कर रहा था वो नजर नहीं आ रहा था। मैं समझता हूँ कि जो अगर वो गलत करते थे वो भी अपनी क्रीज से बाहर निकल के वो काम उन्हें नहीं करते थे अवर अताब अध्याल को जो वो कर रहे थे, तो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी तो ताकतवर थी, इनके हमारे दोस्त भी बहुत ज्यादा उन्हें पसंद करते हैं, उनकी ताकत का ये नतीजा था कि किसी ने उन्हें नोटिस तक जारी नहीं किया कि आप तो इन्हीं अदालत पर ना, एक आम आदमी तो इन्हीं अदालत करता है तो उसको फौरी तौर पर सजा दी जाती है। ये मामला आपका अपना क्या धरा होता है सर, बिल्कुल उसी की बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी सर। कानून तो होना चाहिए लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह इंटर पार्टी इंतखाबात करवाती हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही 2 साल लटकाए रखा या फिर नहीं। और दूसरा सर, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के दबाव के ऊपर जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको तीर के निशान ही अलॉट किए जा रहे हैं, तो ये इंटेंशनली कोशिश की गई। परवेज खटक साहब ने 6 माह पहले कह दिया था कि बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान नहीं होगा, उनको सर किस तरह प्रिडिक्ट उन्होंने किया 6 महीने पहले। तो क्या आपको लगता है कि ये सब चीज प्री डिसाइडेड थी और इसमें जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है वो दुरुस्त हो रही है? देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, इतनी ज्यादा प्री डिटरमिंड है ये चीज, इस हद तक है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पोलराइजेशन हो चुकी है वो भी ये है कि साफी साफी नहीं रहा, वकील वकील नहीं रहा, हर शख्स जो है जज जज नहीं रहा। ये जो हमारे दोस्त रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, मैं कुर्बान जाऊं इनके इस रूल ऑफ लॉ पे, क्या किसी जज को बतौर जज के फैसला करते हुए कि आज पहुंचता है कि वो शख्सी तौर पर लोगों के ऊपर हमला करें, उसके नाम पे जाए और इतने कॉमेंट करें? मैं आपको एक अर्ज करूं, आज तक मेरा 40 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया प्रैक्टिस का, कोई जज जो बतौर जज के काम करता है किसी वकील को या किसी क्लाइंट को जरूरत नहीं होती कि उसके साथ वो इस तरह की गुफ्तगू कर सके सामने, लेकिन जब पर्सनल हो जाता है लोगों के ऊपर और फिर आर्ग्यू नहीं करते। आप मुझे ये बताया था बाकी सबको छोड़ दे, यानी ये मेरे दोनों दोस्त वहां हमेशा मौजूद रहे हैं, क्या ये रवैया है एक बतौर जज के कि एक तीन जगह से सवाल आ रहा है और अगर जवाब देने लगता है कोई तो उसे जवाब ही देने दिया जाता? और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जमहूरियत की हम बात कर रहे हैं, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि उस पार्टी को कहा गया कि आपने जनाब कंपनी में जाके इलेक्शन तो करवाए, यानी हालत उनकी ये है कि कोई बंदा बाहर निकलता है तो उसको पकड़ लिया जाता है एन उस वक्त, अभी किसी के जेहन में आज मुझे नहीं पता हम कब तक है और ये मेरे नौजवान दोस्त हैं ये कब तक जिंदा है, लेकिन जो पाकिस्तान में फसल हम हो रहे हैं हमारे बच्चे काटेंगे, क्योंकि इससे पहले जब नजरिया जरूरत आया था तो आज तक हमारी नस्लें और हम खुद काट रहे हैं। आप जरा मुझे ये बताएं कि उस पार्टी उस वक्त एन उस वक्त जब चीफ जस्टिस साहब केस ये सुन रहे थे बल्ले वाला, उस तहरीक के इंसाफ का चेयरमैन जो है उसके घर में बाकायदा डाका पड़ा हुआ था, कौन रेड किया हुआ था, और वो कहते हैं कि अब हमें नहीं मालूम कि इसका घर में किसी का भी घर हो, आपको किसने की इजाजत दी है कि आप उसके घर में दाखिल हो जाए? ठीक, बिल्कुल ठीक, यानी इस तरह। और फिर मैं आपको जी जी क्विकली सर, आरिफ साहब से वक्त कम है सर, जी जी सबको मालूम है कि बटन ऑफ कर दिया गया, इसकी कवरेज ना